हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है चैलेंज का डे नंबर 9। वीडियो के अंदर आप लोग को पता लगने वाला है कि कौन कौन से स्टॉक्स है जो मैंने यूज़ किए हैं ट्रेडिंग करने के लिए, प्लस कौन कहाँ पे जो है मैंने ट्रेड ली है, कहाँ स्टॉप लॉस रखा है, आप लोग जो है कैसे आसानी से जो है चार्ट के ऊपर अपने स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, सारी चीज़ें आप लोग को वीडियो के अंदर पता लगने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप किए देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने गुजरात गैस का जो है चार्ट ओपन किया हुआ है। मैं आप लोग को बता देती हूँ क्या रीज़न रहा जो मैंने यहाँ पे ट्रेड ली। यहाँ पे अगर आप एक घंटे के चार्ट में देखें तो हमें जो है काफ़ी अच्छा एक जो है ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, प्लस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल भी है जिसका अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो मेरा जो व्यू है वो यहीं पे यही है कि भाई मार्केट जो है वो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करने आएगा, तब हम जो है यहाँ पे ट्रेड लेंगे बिल्कुल छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही छोटा हमारा स्टॉप लॉस है, ज़्यादा बड़ा हमारा स्टॉप लॉस नहीं है। टारगेट जो है वो मैं इसमें 1:2 या उससे ज़्यादा का ही लेने का ट्राई करूँगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पोजिशन लगा के दिखा देती हूँ बहुत सारी चीज़ें। मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है कि आप जो अपना स्टॉप लॉस है वो कितना रखते हैं और आप जो अपना टारगेट है वो कितना रखते हैं। आप लोगों को ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका रिस्क जो है वो हमेशा कम होना चाहिए और आपका रिवॉर्ड जो है वो या तो डबल या फिर डबल से ज़्यादा का ही होना चाहिए, तो ही आप जो है वो ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने वही किया है। यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन लगा दी है, कहाँ मेरा स्टॉप लॉस है, कहाँ टारगेट है, वो आप लोग यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे ऊपर देख सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे वेट करना है और होल्ड करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्केट जो है वो हमारे डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी हम सिर्फ वेट करेंगे और देखेंगे कि किस हिसाब से क्या होता है। बाय द वे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग चार्ट के ऊपर ही देख सकते हैं कि कहाँ हमारा स्टॉप लॉस है, क्या हमारा प्राइस चल रहा है, प्लस चार्ट भी देख सकते हैं, सारी चीज़ें एक ही चार्ट पर देखने को मिल रही है। तो इसका सबसे बेस्ट फ़ायदा ये है कि भाई हमें दो दो स्क्रीन्स देखने की ज़रूरत नहीं है कि हम हमारा पोर्टफोलियो अलग देखें और हमारा चार्ट जो है वो अलग देखें, सारी चीज़ें हमें यहीं पर ही देखने को मिल रही है। तो अगर आप लोगों को ये डाउनलोड करना है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको अपना जो अकाउंट है वो ओपन करना है। तो जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाइए और अपना अकाउंट ओपन कीजिए। साथ में आप लोगों के पास और भी कई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो फटाफट जाइए और अकाउंट ओपन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमें काफ़ी अच्छे और लगातार की ही कैंडल हमें देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ है। अगर मार्केट इसी वॉल्यूम के साथ गया तो हमें जो है और कंटिन्यू अप मूव लगातार की देखने को मिल सकती है। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे और देखते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो मैं यहाँ पे ट्रेड कर लेती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अब अगर आप लोग ये सोचेंगे कि मैम ये तो सिर्फ दिखा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग लाइव चार्ट में भी जो है अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं चार्ट को देखते हुए, तो इसमें भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो फटाफट जाइए और अपना जो है अकाउंट ओपन कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे से जो है मार्केट हमारे डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो मैंने स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर लिया है। ट्रेल क्यों किया है कि एक अच्छा प्रॉफिट देखने के बाद आप अपना जो है यहाँ पे 1:2 देख चुके हैं, और उसके बाद भी अगर आप रुके रहते हैं और आप अपना जो है स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करते हैं तो वो सिर्फ आपकी बेवकूफ़ी है। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप लोग जो है अपना स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल टाइट रखें। हमेशा स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ही ज़रूरी है और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी उतना ही ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे और देखते हैं कि किस हिसाब से मार्केट हमें मूव दिखाता है। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का मौका मिला तो अब मैं जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल दोबारा और करूँगी, वेट करूँगी फिलहाल मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमें जो है आराम से इसमें 250 से 300 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा एक प्रॉफिट है हमारे यहाँ पे। जिस हिसाब से मैंने क्वांटिटीज यूज़ की हैं उस हिसाब से देखने के बाद काफ़ी अच्छा एक प्रॉफिट हमें आ चुका है। पॉइंट्स वाइज भी हमें जो है वो मिल चुका है, लेकिन मैंने अपना फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट दोनों ही यहाँ पर लगा के दिखाए हुए हैं आपको। तो मैं वहाँ का वेट करने वाली हूँ, ट्रेलिंग का मौका मिला तो मैं अपने स्टॉप लॉस ज़रूर से ट्रेल करूँगी। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है, वेट करेंगे, होल्ड करूँगी मैं अपनी यहाँ पर ट्रेड को। प्लस हमें एक और चीज़ देखने को मिल रही थी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है जिसका ब्रेकआउट आया, लेकिन हमें जो है ये फिलहाल जो है ये यहीं पर ही मूव करा। आप लोग देख रहे हैं 5 मिनट की कैंडल है, लेकिन यहाँ पे जो है ऊपर ही नहीं जा पा रहा है। यही जो चीज़ है ये सबसे बुरी होती है, और ये देख लीजिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो कितना जो है मार्केट यहाँ पर रुक रहा है। इसी चीज़ की मैं यहाँ पे बात करने वाली थी कि भाई ये जो चीज़ है ये बहुत ख़राब होती है, क्योंकि मार्केट में अगर मार्केट जाएगा तो वो वॉल्यूम के साथ जाएगा और लगातार जाएगा। अभी ये रुक रहा है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट हमारे स्टॉप लॉस के पास है, और जो कि हमारे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो हिट भी हो चुका है। मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देती हूँ कि मेरा जो है यहाँ पर इस ट्रेड में 80 रुपये का लॉस हुआ है।
लगभग कॉस्ट के पास ही थे, जो कि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया है। पर कोई बात नहीं, और ट्रेड मिलेगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर से अपडेट करूँगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टाटा केमिकल में हमें एक और ट्रेड देखने को मिली है। रीज़न अगर आप यहाँ पे देखें तो एम पैटर्न, जो कि डबल टॉप भी बोला जाता है, हमें ये देखने को मिला है। नेकलाइन का ब्रेकआउट जो है वो हो चुका है, बिल्कुल छोटा सा हमारे इसमें स्टॉप लॉस है। पोजिशन लगा के दिखा देती हूँ मैं यहाँ पर, लगभग जो है यहाँ पर मैं अपना स्टॉप लॉस रखने वाली हूँ, बहुत ही छोटा है, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। ऑलमोस्ट जो है वो होगा वो 5 पॉइंट का हमारा जो है इसमें स्टॉप लॉस रहने वाला है। टारगेट जो है मैं उससे ज़्यादा का ही इसमें लेने का ट्राई करूँगी, 10 से ऊपर ही का। तो वेट करेंगे हम यहाँ पे अभी, और एक बार ये चीज़ जो है वो मैं आप लोगों को चार्ट में भी लगा के दिखा देती हूँ, जो प्राइस चार्ट है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लगा के दिखा देती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो देख सकते हैं फिलहाल जो है ऑलमोस्ट कॉस्ट के पास ही चल रहा है, छोटा सा स्टॉप लॉस हर हमारा टारगेट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वही आप लोग को ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, ट्रेलिंग हमेशा करते रहना है, ट्रेलिंग कभी ना भूलें आप। और वेट करूँगी फिलहाल मैं, ऑलमोस्ट जो है मार्केट अभी कॉस्ट के पास ही है, कुछ ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस हमें नहीं देखने को मिल रहा है, 24 रुपये फ़िलहाल लॉस पे हैं। तो अगर आप यहाँ पे स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान रखनी है कि आपका जो पेशेंस पावर है, बेसिकली होल्डिंग पावर है, वो बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। स्टॉक्स इसीलिए बिगनर को सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि बिगनर जो है वो कभी भी होल्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है जल्दी जल्दी मूव करते हैं, तो उस वजह से आप होल्डिंग पावर आपकी नहीं हो पाती उसमें। और इसीलिए स्टॉक्स जो है वो बहुत ही धीरे धीरे मूव करते हैं, तो आप उन्हें अच्छे से होल्ड कर पाते हो, अच्छे से अपनी ट्रेड को रोक सकते हो, जो है वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो पॉइंट वाइज सारी चीज़ें देख के। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बिगनर हैं तो हमेशा स्टार्ट जो है वो स्टॉक से करिए, और बिल्कुल कम जो है कैपिटल के साथ आइए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है सिर्फ आप लोगों को वहाँ पे पैसे जो लगाने हैं वो आपको सीखने के लिए लगाने हैं। तो वो आप ज़्यादा पैसे खर्च करके लगाएं या फिर कम पैसे, एट द एंड आपको सेम चीज़ सीखनी है। तो इसीलिए ज़्यादा लॉस करवाने से बढ़िया है छोटा लॉस करवाइए और ज़्यादा सीखिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिलहाल अभी हम ऑलमोस्ट कॉस्ट के पास ही हैं। यही चीज़ देखिए कि पिछले कितनी देर हो गई है लेकिन हम लोग कॉस्ट के पास ही हैं। यही जो है मार्केट हमारा पेशेंस टेस्ट करता है कि आप लोग कितना होल्ड कर सकते हैं। होंगे काफ़ी सारे लोग ऐसे कि भाई हमें एक दिन में अमीर बनना है, वो चीज़ मार्केट में पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोगों को पैसा कमाना है तो आप लोगों को जो है उसको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे ही कमा सकता तो कोई भी रोड पे नहीं सो रहा होता। क्योंकि आप मार्केट में पैसा लगा रहे हो पैसा कमाने के लिए, तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें जो एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है, जो कि काफ़ी अच्छे से जो है मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो अगर हमें जो है इसका ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हमें और भी अच्छे कन्फर्मेशंस हो जाएंगे कि हाँ मार्केट जो है वो हमारे डायरेक्शन में ही मूव करने वाला है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है आप लोग को आपकी आइज को बताना है, दिखाना है कि भाई हाँ ये चीज़ भी है मार्केट में, ताकि आपको अंदर से भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ चलो एक और चीज़ हुई है और अच्छी चीज़ है, ये प्राइस एक्शन बेस के ऊपर है, तो भाई अच्छा बात अच्छी बात है कि हाँ मार्केट हमारे डायरेक्शन मूव कर सकता है। लेकिन फिलहाल अगर आप यहाँ पर देखें तो ऑलमोस्ट हम कॉस्ट के पास ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे अब जो है मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करने वाली हूँ, क्योंकि मार्केट जो है वो काफ़ी स्लो वर्क कर रहा है, लेकिन ट्रेलिंग का मौका इसने दे दिया है, तो मैं यहाँ पे अपना जो है स्टॉप लॉस ट्रेल कर लूँगी। फालतू में यहाँ पे वेट नहीं करूँगी मैं। तो स्टॉप लॉस जो है वो मैंने अपना फिक्स अच्छे से टाइट कर लिया है, तो अभी हम और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ होल्ड करेंगे अपने ट्रेड को, वेट करेंगे और देखते हैं कि मार्केट किस हिसाब से आगे क्या मूव दिखाता है। यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट है सीखने की, है वो ये है कि मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ऊपर जाएगा तो हमारा ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने हमारा ट्रेल कर लिया है। तो अब आप लोग ये बोलेंगे मैम आपकी पोजीशन तो नीचे की साइड है। हाँ है नीचे की साइड, लेकिन अगर आप दिन देखा हो तो मार्केट जिस हिसाब से इसको ब्रेक करना चाहिए था वॉल्यूम कैंडल के साथ, उसके साथ नहीं किया है, तो इसीलिए ये चीज़ जो है वो एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है कि आप लोगों को आप जो ब्रेकआउट आता है वो भी अच्छा वॉल्यूम की कैंडल के साथ आना चाहिए। और अगर आपने यहाँ पे देखा हो तो डोजी कैंडल भी बन चुकी है, जो कि हमें बताती है कि मार्केट किसी भी साइड जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। ध्यान दें तो हमें जो है मार्केट यहाँ पर साइडवेज थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, तो देखती हूँ कि भाई क्या होता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उस ट्रेड में भी जो है हमारा लॉस हो चुका है, 150 रुपये का उस ट्रेड में हमारा लॉस हुआ है।
मार्केट जो है वो क्लोज हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। दिन का जो है मैंने बंद कर दिया है। यहाँ पे ओवरऑल लॉस जो है वो हमारा 600 से 650 रुपए का है। ट्रेड जो है वो आज काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं क्योंकि आज मार्केट पूरा दिन ही जो है साइडवेज रहा है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।